नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे सहयोगी भाई प्रणव मेरे साथ हैं और आज हम एसआईटी के प्रांगण में हैं, जहां पे आप देख पा रहे हैं आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा साइंस एंड कम्युनिकेशन को लेकर के प्रोग्राम को निर्धारित किया गया है। अब चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं और आज के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे करके चीज़ों को स्पष्ट समझते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस साल की बहुप्रतीक्षित और प्रत्याशित सम्मेलन डेटा विज्ञान और संचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICTDSC 2024 प्रस्तुत कर रहा है। यह लगातार दूसरी बार है जब सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की है, जो एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। यह सम्मेलन दो दिनों के लिए निर्धारित है, 21 और 22 नवंबर 2024, जहां विद्वान तकनीकी पंडित उभरते हुए शोधकर्ता अपने साहित्यिक कार्यों पर चर्चा करेंगे और प्रस्तुत करेंगे, जो डेटा विज्ञान और संचार में तकनीकी कार्यों का विकसित करने और विस्तारित करने में मदद करेंगे। यह सम्मेलन सीखने और तकनीकी विज्ञान विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा, जो कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज और मानव जाति के विकास में केंद्र में है। संस्थान अपने श्रोताओं को ISI बेंगलोर के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर BS दयासागर, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार भुया, और जो शोधकर्ताओं और विद्वानों के बीच शीर्ष स्थान रखते हैं, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजित अब्राहम, शारदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भारत भूषण जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करता है। इस प्रकार उपस्थित लोगों को डेटा विज्ञान और संचार के क्षेत्र में गहराई से जानने और उसमें शामिल होने का अवसर मिलता है। सत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आयोजित किया जाएगा। ICTDSC 2024 की घोषणा के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, UAE, मैक्सिको, मोरक्को, मलेशिया, पाकिस्तान, पुर्तगाल, माल्टा, तंजानिया, इराक, ईरान, बांग्लादेश, चेक गणराज्य और अमेरिका जैसे देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। साथ ही साथ भारत के विभिन्न राज्यों में भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल रहा है। 300 से अधिक शोध लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है, और गहरा समीक्षा प्रक्रिया के बाद 50 शीर्ष पत्रों को प्रस्तुति के लिए चुना गया है। इन पत्रों को स्प्रिंगर नेचर द्वारा उनके लेक्चर नोट्स इन नेट स्प्रिंगर नेचर द्वारा उनके लेक्चर नोट्स इन नेटवर्क्स एंड सिस्टम सीरीज के तहत प्रकाशित किया जाएगा, जिसे SCIMAGO और DBLP जैसे वैश्विक डेटाबेस में अनुक्रमित किया जाएगा। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट देखें, चीजों को विस्तार से समझें। कृपया करके इस चैनल को फॉलो, कमेंट, लाइक और शेयर करके लोगों को बताएं कि इतने अच्छे कार्यक्रम यहाँ सिलीगुड़ी में हो रहा है। धन्यवाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वान, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यही। मैम, ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही रहेगा कि कॉन्फ्रेंस का जो मतलब जितने पेपर्स हमको मिले हैं, तो वो बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये सेकंड टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, डिपार्टमेंट ऑफ ECE को एक बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड सारे जो चीज़ें जो हैं यहाँ पे, इतने जो सब हमारे जो गेस्ट्स ऑफ ऑनर्स जो आए हैं, उनके लिए मतलब उन्होंने टाइम निकाला, वो आए, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, अपना नाम और बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर अरुंधति चक्रवर्ती, SIT में कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की प्रिंसिपल। थैंक यू। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डाटा
साइंस एंड कम्युनिकेशंस के बारे में सर जो आज SIT में प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में प्रकाश डाल के हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा साइंस एंड कम्युनिकेशंस जो आज 21 और 22 नवंबर को हो रहा है एट सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको मालूम है दैट सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वो भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 14 कंट्रीज से हम लोग को रिसर्च आर्टिकल्स मिला है एंड हम लोग का इंडिया का जो जो स्टेट्स है ऑलमोस्ट ऑल द वी हैव रिसीव्ड द रिसर्च आर्टिकल ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड हम लोग का जो ये रिसर्च आर्टिकल्स होगा तो रिसर्च आर्टिकल्स स्प्रिंगर में पब्लिश होगा एंड आप लोगों को पता ही है स्प्रिंगर एकेडमिक वर्ल्ड नंबर वन पब्लिशर्स है। इसमें 50 रिसर्च आर्टिकल हम लोग पब्लिश करेंगे एंड डेटा साइंस एंड कम्युनिकेशंस आर द टू वर्टिकल लाइंस एंड दे आर द बूमिंग इंडस्ट्री। डेटा साइंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री नाउ ए डेज एंड द रिसर्च आर्टिकल्स दे आर कवरिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग। मुख्यतः कौन यहाँ पे सर अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे सर? अतिथि होकर आ रहा है आपका जो जो कीनोट स्पीकर है जो इधर स्पीच देंगे वो सिडनी यूनिवर्सिटी से है प्रोफेसर राजकुमार भुया। बेनेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है अजीत अब्राहम। फॉर्मर कल्याणी रायगंज यूनिवर्सिटी एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। वी हैव डॉक्टर भारत भूषण इज ए प्रोफेसर फ्रॉम द शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा। ओके एंड प्रोफेसर भारत भूषण ऑल्सो द प्रोग्राम चेयर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। सर इसके ऊपर कुछ आलोक। मेरा नाम है डॉक्टर देवज्योति मिश्रा। आई एम द हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द कन्वेनर एंड ऑर्गेनाइजिंग चेयर ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सर आप अपना परिचय देते हुए। माई सेल्फ डॉक्टर भारत भूषण एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा इंडिया एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद से SIT लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर वी हैव इन्हेंस्ड एंड इस साल जो है हम लोगों ने एक नेक्स्ट लेवल पे इसको ले गए हैं। लास्ट ईयर ये स्कोपस इंडेक्स नहीं था बट वी हैव मैनेज्ड एंड वी हैव मेंटेन्ड वेरी गुड क्वालिटी। बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोगों ने मेंटेन किया। इस साल हम लोगों ने इसको स्कोपस इंडेक्स किया और सबसे बड़ी चीज़ जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए होता है वो होता है हेटरोजेनिटी। हेटरोजेनिटी अमंग ऑथर्स, ऑथर आपके कहाँ कहाँ के हैं जो कि एक लोकल लेवल पे आके रह जाता है। ये देवज्योति जी और इंटायर इनके टीम ने जो है सो इस कॉन्फ्रेंस को ICDTS से इसको एक ग्लोबल लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे कि अराउंड 20 डिफरेंट कंट्रीज से ऑथर्स हैं और रिव्यूअर्स इसमें अराउंड 800 इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स थे। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम से युवा जनरेशन जो है कोर्स ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए है ताकि वो अपने नए आइडियाज़ को लेके आए। आज के डेट में एक टीचर के पास एक रिसर्चर के पास उतना आइडिया नहीं है जितना कि 18 साल 19 साल के बच्चे के पास है। सो वी वांट कि ये बच्चे अपना आइडियाज़ प्रेजेंट करें। इस कॉन्फ्रेंस में यही होगा, ये कीनोट्स को सुनेंगे, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने और इसको हम लोग इनके आइडियाज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम हम रिसर्चर्स का हम टीचर्स का रहेगा। जैसे कि आपने बताया लास्ट ईयर भी आप इस तरह के प्रोग्राम में ऑलरेडी शिरकत कर चुके हैं। हाँ जी, ऐसे में सर लास्ट ईयर का सिचुएशन और आज वर्तमान में कुछ तब्दीली आपको दिखाई दे रहा है? तब्दीली जोश में तो नहीं है, जोश लास्ट ईयर भी उतना ही था, इस साल भी यही उतना ही है बट लास्ट ईयर ये फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था प्रोग्राम तो थोड़ा सा हमारे पास सपोर्ट नहीं था। हमारे पास बैनर्स थे लेकिन इतने बैनर्स नहीं थे। अब आप देखिए हमारे पास IEEE के कम्युनिकेशन सोसाइटी है, हमारे पास स्प्रिंगर है, इंडेक्सिंग एजेंसीज नहीं थे हमारे साथ लास्ट टाइम। इस बार हमारे पास स्कोपस है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ISTE है, IIT है, देन द इंडस्ट्रीज लाइक द RJ टेक्नोलॉजीज, PSAF टेक्नोलॉजीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो स्पॉन्सरिंग इन आवर कॉन्फ्रेंस। सर से लास्ट क्वेश्चन, ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आज के डेट में कंप्यूटर साइंस से ये रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस हमारे डेटा साइंस और कम्युनिकेशन से ये कॉन्फ्रेंस रिलेटेड है। आज के डेट में विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आज से 25 साल पहले लोगों के पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों का पहले लोगों के पास उतना क्लैरिटी नहीं था कि करना क्या है। अब हर बच्चे को, एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी इतना क्लैरिटी है कि इन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है और कैसे
सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एक मेजर चीज़ है। नाम और डेजिग्नेशन बता। मैं डॉक्टर भारत भूषण, एसोसिएट प्रोफेसर, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, इंडिया से हूँ। और मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिस्टिंग में टॉप 2% साइंटिस्ट के लिस्ट में पिछले 4 साल से लगातार आ रहा हूँ इस लिस्ट में, जब से ये लिस्ट स्टार्ट हुआ है। तो मैं ब्लॉकचेन और आईओटी का आईओटी सिक्योरिटी में रिसर्च करता हूँ, और आई एम हियर एज अ प्रोग्राम चेयर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इन सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। द कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था। यू कैन सी द एंथुसियाज्म कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ चढ़ के, एसआईटी का सबसे बड़ा, मैं एज अ आई एम अ गेस्ट हियर सो आई शुड से कि स्टूडेंट्स ऑफ एसआईटी आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक एंड दे पार्टिसिपेट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। सो दिस क्रेडिट गोज टू द